वो जो है न राम के भक्त हैं, न श्याम के भक्त हैं, न राष्ट्र के भक्त हैं। अब आप जो है वो गले मुर्दे उखाड़ोगे तो आप खुद ही उसी कब्र में चल पहुंच जाओगे। जय श्री राम। जहां 31 साल बाद राम के नाम पर कर्नाटक में एक बार फिर मचा है सियासी कोहराम और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। आज हम इसी पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है। फिर इस साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले राम मंदिर पर सियासत जोरों पर है। एक तरफ बीजेपी चुनाव में राम मंदिर मुद्दे को भुनाना चाहती है, तो विपक्षी दल बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े दो लोगों की गिरफ्तारी पर मच गया है बवाल। जी, और इसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, तो कुछ और अहम सवाल भी हैं, उन सवालों पर भी गौर करना बेहद जरूरी है। पहला सवाल जो है वो कि 31 साल बाद गिरफ्तारी क्यों हुई, ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने सालों बाद ये एक्शन क्यों लिया गया। दूसरा सवाल, राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त ही कार्रवाई क्यों की गई, एक अहम तारीख सामने है और ठीक उसके पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई। तीसरा सवाल, क्या खास वोट बैंक पर सिद्धारमैया की नजर है, क्या किसी खास वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की ये कोशिश है। जी हां, इस एक्शन के पीछे आखिर कौन सी राजनीति है, जाहिर है चर्चा उस पर भी होगी। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, सिद्धारमैया के एक्शन से कांग्रेस आलाकमान सहमत है क्या। पांचवा सवाल, क्या बीजेपी दक्षिण में इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी और क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करने जा रहे हैं, लेकिन पहले शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर, 22 को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और गिरफ्तारी को लेकर बड़े बवाल सामने आ रहे हैं, इसी से जुड़ी है रवि हमारी पहली खबर। बिल्कुल समीर, देखिए कर्नाटक में राम भक्तों की गिरफ्तारी पर बवाल हुआ है। गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, 31 साल बाद गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है कर्नाटक में, हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, ये कहना है बीजेपी का। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े केस में दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद से ही ये बवाल शुरू हो गया है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठान पन भी निश्चय हुआ है, उस समय 31 साल के बाद दो कार्यकर्ताओं को कर्नाटक कांग्रेस सरकार गिरफ्तार करवाया है, उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है, उसके पीछे साजिश है, उसको हम खंडन करेंगे और उसके साथ साथ हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस सरकार का हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो देखिए 31 साल बाद गिरफ्तारी को लेकर सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। पूरी खबर सबसे पहले आपको बता दें ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, कर्नाटक में हुआ क्या है, गिरफ्तारी क्यों हुई है, ये आप सबसे पहले समझ लीजिए, जान लीजिए। कर्नाटक में हुआ क्या है, श्रीकांत पुजारी समेत दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 300 लोगों की फहरिस्त, दो की गिरफ्तारी। गिरफ्तारी क्यों हुई, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ ये मामला है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। ये घटना जो है ये 5 दिसंबर की है, जब हुबली में हुई हिंसा के दौरान एक दुकान जला दी गई थी और उसी केस में अब दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल जैसा समीर बता रहे हैं कि 5 दिसंबर 1992 को हुबली में हिंसा हुई थी और उसी
सिलसिले में ये गिरफ्तारियां अब हुई हैं और 8 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है, यानी कि अभी और समीर गिरफ्तारियां होनी है जिन लोगों की तलाश चल रही है। बिल्कुल, अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक SIT बनाई गई है जो इन तमाम मामलों की, तमाम पुराने मामलों की जांच कर रही है और जानकारी तो यह भी है कि 300 लोगों की फहरिस्त बनाई गई है जो आरोपों के घेरे में है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैसूर से हमारे संवाददाता राम भी हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या भी आपको लिए चलेंगे, कुमार कुंदन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं रामनगरी से। और सबसे पहले मैं अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं, उससे पहले जल्दी से अपने संवाददाता राम के पास ही चलते हैं जो मैसूर से हमारे साथ मौजूद हैं। राम, ये बताइए कि अब इस मुद्दे को कैसे बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, वहीं कांग्रेस क्या तर्क दे रही है 31 साल पुराने जो तमाम ढेरों मामले हैं आंदोलन के वक्त के, उनको क्यों अब खोला जा रहा है। समीर, एक तरफ अयोध्या पे राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन कर्नाटका में यही राम मंदिर के विचार बीजेपी और कांग्रेस के बीच के संघर्ष के लिए कारण हुआ है। इसका कारण है 31 साल पहला एक मुकदमा में एक कार्यसेवक का बंधन हुआ था, उस समय में जो गलबे हुआ था उसके लिए उसका कारण बना के वो 31 साल का पहले का एक केस को रिओपन किया, उसको बंधन किया हुआ है। इसलिए बीजेपी कर्नाटका में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज बीजेपी के राज्याध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और विरोध पक्ष के नेता आर अशोक और काफी सारे शासक और MP ये उन विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। हर एक जिला केंद्र पे ये विरोध प्रदर्शन होगा। आप देख सकते हैं मैसूर में तो आज ऑलरेडी चालू है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी का मानना है एक कांग्रेस का साजिश है, एक 31 साल पहले हुआ एक घटना को लेके आज उसको जो बंधन किया है। अयोध्या पे जो राम मंदिर बन रहा है इसके कारण से बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी बन रहा है उसको घटाने के लिए एक साजिश किया हुआ है करके, इसके बारे में बात करने के लिए बीजेपी के नेता सिद्रा जो हमारे साथ है वो करसेवक भी था और 31 साल पहले एक जो प्रतिभटना हुआ था उसमें वो भाग भी लिया था। अच्छा। सर, अभी जो चल रहा है 31 साल के बाद जो मुकदमा था उसके अरेस्ट हुआ है। एक अभी कांग्रेस डर गया है, हमारा अयोध्या मुद्दा में 32 ईयर्स से ये राम मंदिर बहुत बड़ा राम मंदिर बनाने हो रहा है। अभी कांग्रेस डर के कर्नाटक में ये सिद्धरामैया अभी बीजेपी अयोध्या के इशू में डर के हमारे कार्यकर्ता लोग को अभी अरेस्ट कर रहे हैं, ये गलत है। हम भी करसेवक थे, मुझे भी अरेस्ट करने के लिए मैं अभी तैयार हूँ, मुझे भी अरेस्ट करो, ये गलत है। समीर, ये कर्सेवकों का बात है, बीजेपी नेताओं का बात है कि हम भी कर्सेवक थे, हमारे को भी बंधन करो, ये साजिश मत करो करके आग्रह करने के लिए आज विरोध प्रदर्शन के लिए कर्नाटका में कॉल कर किया हुआ है। समीर, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। और देखिए, कर्नाटक के CM सिद्धारमैया का बयान भी सामने आया इस पूरे मामले में, अदालत से बरी होने तक अपराधी रहता है, यह कहना है सिद्धारमैया का। क्या समय के साथ अपराध खत्म हो जाता है? सरकार ने पुराने मामलों की जांच का आदेश दिया था। ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಹಳೆಯ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ.